तो आप देख सकते हैं कि आज मैंने अपना जो पेपरबैक का कलेक्शन है वो मैंने बाहर निकाल रखा है, क्योंकि ये इस एलमिरा में थे। अब इस एलमिरा के पीछे की बैक स्टोरी क्या है कि मैंने एलमिरा ली थी कुछ अपने पर्सनल काम के लिए, और वो ये थी एक्चुअली, ये जो वुडन वाली दिख रही है और ये जो डार्क वाली है वो पुरानी एलमिरा थी। तो मुझे लगा कि पेपर बैग स्टोर करना कोई बहुत बड़ा ऐसा वो काम नहीं है, तो क्यों ना पुराने वाली अलमीरा को यूज़ कर लिया जाए। तो मैंने पुरानी अलमीरा इसमें रख ली थी और नई वाली मैंने अपने कपड़ों के लिए यूज़ की थी, और इनको इस कमरे में रख दिया। अब इस कमरे में प्रॉब्लम है कि थोड़ा सा बरसात में एक दीवार थोड़ी सी सीलन आ जाती है, और काफ़ी समय से कमरा बंद था। तो हुआ यूँ कुछ यूँ कि अगर कोई कमरा बंद होता है, मॉइस्चर होता है, फिर वहाँ पर धूप की वजह से गर्मी वगैरह पड़ती है, तो फिर उसको फंगस आ जाती है। अब ये बहुत ही मैंने गलत तरीके से इनको स्टोर कर रखा था, मैं पहले भी आपसे शेयर कर चुका हूँ। आजकल तो मैं क्या करता हूँ कि पॉली बैग्स रखता हूँ, और जैसे जैसे मैं बुक्स लेता हूँ उनको मैं पॉली बैग्स में स्टोर कर लेता हूँ। बट ये पहले का कलेक्शन है और समय का नितांत दबाव होता है, मुझे पता है इसको कैसे स्टोर करना चाहिए, मुझे अभी ये बात बिल्कुल अच्छे से पता है। और मेरे पास कुछ रूल्स भी हैं, जैसे कि ये देखिए पॉली बैग्स में रख रखे, बट मैं देखता हूँ कितना मैं कर पाता हूँ। मैं कुछ कोशिश कर रहा हूँ कि मैं इसको कर सकूँ, ख़राब होने से बचाया जा सके। जैसे आप देख सकते हैं बुक्स देखिए सीलन की वजह से कैसी हो गई है, ये प्रॉपर नहीं रखने की वजह से आप देख सकते हैं कैसे वेवी वेवी सी हो गई है। काफ़ी इशू आए हैं बुक्स के, मतलब बिल्कुल भी अप टू द मार्क नहीं है ये, और इतने ज़्यादा हैं कि इनको पैक करना संभव नहीं है। तो एक एलमिरा मैंने खोली है, और अभी तो दूसरी तो मैंने खोली भी नहीं देखी आप। तो इसका मैंने अभी तो ट्रीटमेंट कर चुका हूँ एक्चुअली में, मैंने मुझे कुछ समझ तो आया नहीं कि कैसे इसको करना चाहिए। तो मेरा मैंने तरीका कुछ ऐसा अपनाया कि जैसे ये डेटोल जो आता छोटा वाला उसमें मैंने कोलिन लिख रखा है, तो कोलिन भरा हुआ था, तो कोलिन और डेटोल इनका प्रयोग करके मैंने कपड़ा लिया सूती सा, और उस कपड़े से जो है इस एलमिरा को एक बार साफ़ कर दिया, वरना ये जो एलमिरा है इसमें वाइट 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 स्पॉट हो गए थे फंगस के। और अगर मैंने कहा इसको मैंने नहीं इसको करा साफ, तो फिर इसके अंदर क्या होगा कि बुक्स में धीरे धीरे करके अल्टीमेटली आएंगी आएंगी, और एक बार फंगस आ गई फिर कभी मकड़ी के जाले हैं या कॉकरोच वगैरह हैं तो वो ख़राब कर देंगे बुक्स को। जैसे जैसे समय मिलेगा, जैसे अभी ये कुछ पॉली बैग्स में है तो इनके लिए मैं निश्चिंत हूँ, मुझे पता है कि इनका कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। देखिए इसी में मुझे कुछ ये भी मिला है, ये कौन सा, ये इसे पैकेजिंग में मत जाना, ये तो मैंने किसी एटीटी होगा कुछ, ये जो बाल चरित के साथ में जो मैंने कल परसों वीडियो बनाया था उसे टी शर्ट मिला था वो है ये। और ये मैंने कुछ टी शर्ट और खरीदे थे, ये देखिए नागरा द्रुडोगा वाले हैं, ये मिले हैं, मतलब इसके अंदर एलमिरा में स्टोर थे। तो बहुत ही केयरफुली रखना पड़ेगा, मतलब कॉमिक्स खरीदने से ज़्यादा उसको मेंटेन करना एक बहुत बड़ा एक चैलेंज है। अभी जितना हो पाएगा मगर फिर भी मैं कुछ कोशिश की, मैंने कहा एक इसी बारे में इनका थोड़ा फेस्टिव सीजन में सफाई भी हो जाएगी, अभी मुझे थोड़ी बेटर लग रही है। तो मैंने इसको एक दो घंटे खुला छोड़ दिया था, मैंने कहा क्योंकि अब बारिश सीजन आई थिंक ऑलमोस्ट ओवर हो चुका है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी मेहनत मेरे को कम से कम 7-6 महीने चलेगी। और ये देखिए मेरा ट्राईपॉड स्टैंड वगैरह था, वो भी अलग अलग टाइप की पैकेजिंग में होता, तो इसको मैंने थोड़ा क्लीन किया। मतलब एक्चुअली पैकेजिंग होती है, जैसे कि एक पाउच सा होता है, देन कपड़े का सा प्लास्टिक का सा, फिर उसके फिर एक गत्ते का कुछ पैकेट होता है, फिर कोई और गत्ता होता है, तो धीरे धीरे करके सीलन की वजह से वो फंगस वगैरह होकर होता है। मैंने कोशिश ये की कि मैं सारे के सारे कार्टून फेंक दूँ, मतलब मैं कोई कार्टून रखूँ ही ना, बट स्टिल मैंने कुछ रखे हैं, वो नागारम द्रुआरम करके जो होते हैं वो काफ़ी अच्छे से पैक होते हैं, वो मैंने रखे हैं। और कोशिश करता हूँ मैं से कुछ जितना मुझसे हो पाए, जितना समय है मेरे पास में। तो आज थोड़ा ऐसा मन किया, हालांकि बहुत मैं सोच रहा था करूँ ना करूँ, बट मैंने कहा नहीं करूँगा तो आगे फिर दिक्कत आएगी। तो रिजल्ट काफ़ी ठीक लग रहा मुझे, डेटोल कोलिन की हेल्प से मैंने इसको एक बार क्लीन किया, और आई होप कि अब 6-7 महीने कुछ इशू ना आए। और धीरे धीरे करके मैं ऐसा कुछ करूँगा कि इनको पॉली बैग्स में कर दूँ, उसका बेनिफिट मुझे क्या मिलेगा कि ये ओवर टाइम ख़राब नहीं होगा। और पॉली बैग्स मैंने इस बार थोड़े बड़े वाले चूज़ करें, कि छोटा वाला वो टाइम कंज्यूमिंग है, इसमें कम से कम 10-12 कॉमिक्स तो आ जाएंगी। तो ऐसे सेट बना करके कुछ प्रयास करूँगा। और ठीक है, मैं इसको एंड करता हूँ वीडियो को, एंड मतलब इसको मैं स्टॉप करता हूँ, पॉज करता हूँ, फिर एडिट करके मैं पूरी जर्नी आपसे शेयर करने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद। और शुरुआत मैंने करी है ये अमर प्रेम सीरीज से, सेम ये सीरीज देखो यहाँ पे है, और एक इसकी एक एक बुक पॉली बैग में पैक है, आई थिंक ये डबल कॉपीज़ में है पास में। तो पहले वाली जो होगी निश्चित रूप से थोड़ा सा उस समय नए के एक्साइटमेंट में सभी के पॉली बैग रिमूव कर दिए होंगे, तो बड़ी वाली जो पॉली बैग आराम से, अब देखो अभी भी 2-3 कॉमिक्स की जगह है, तो ये पॉली बैग का यूज़ करके मैं कर रहा हूँ। तो सीरीज से थोड़ा क्या ईजी हो जाता है, स्टेप बाई स्टेप शुरू करेंगे तो वो हो जाएगा। तो यहाँ से शुरुआत कर रहा हूँ, तो ये हो गई है, ऐसे नागाइन वगैरह जो बड़ी बड़ी सीरीज है उनको मैं पैक करना शुरू करता हूँ। सारी भी नहीं बिगड़ी है, वो काफ़ी अच्छी कंडीशन में है, बस कुछ कुछ जो ऊपर ऊपर की बुक्स थी उनमें थोड़ा सा सीलन सी आ गई है। जैसे ये देखो, ये आप देख सकते हैं बुक, ये ऊपर रही होगी, थोड़ी सी वेवी सी हो गई है, तो अभी भी पैक होगी, हो जाएगी तो बढ़िया हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए कुछ बाकी लाल की जनरल्स मैंने देखी है, और इतनी सारी देखो आप, बहुत सारी।
एक पॉली बैग में जो मैंने आपको बताया था उसमें ये आ चुकी है, और आराम से जो है इसको मैं यहाँ पे सील है ये, इसको पैक करके रख दूँगा तो काफ़ी हद तक बेनिफिट हो जाएगा, क्योंकि ये अच्छी वाली है। इसके ऊपर जो थी सबसे ऊपर वाली बुक वो एकदम थोड़ी सी ऐसी वेवी ख़राब से हो गई थी जी, ऐसी होती है। तो कम से कम जो उसके नीचे वाली बुक थी वो परफेक्ट पड़ी है, उनको रख देता है। नेक्स्ट जो मेरे हाथ में आई वो आई है नागराज की जो 32 जनरल आती है। कोई कन्फ्यूजन नहीं है, मतलब ये एक धीरे धीरे करके स्टेप बाय स्टेप इस तरीके से अरेंजमेंट अच्छा रहेगा, तो इसमें कोई डाउट ही नहीं। तो इसको एक पॉली बैग में आ गई है ये 32x32, तो ईजी भी रहेगा इनको करना। और एक बार पॉली बैग में आ गई ना, फिर मैं अगर एलिवेरा में रखूँ और कोई फंगस वगैरह अगर आ भी जाती है तो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, आराम से उसको सॉल्व किया जा सकता है। इसमें मनोज गुप्ता जी वाली सही रखी है, संजय गुप्ता जी वाली रखी है। तो नागराज की जो प्रथम 5 जो किताबें आई थी उसकी जो वेरियंट वो रखे हुए, जिसमें सर पर एक वाला ऐड है। नेक्स्ट ये भेड़िया के कुछ पेपर बैग्स हैं, मुझे लगता नहीं कि सारे इसमें आ पाएंगे। मैं इसको कुछ देखते हैं कितने आप आते हैं, उसका एक पैकेट बना देता हूँ। ये है देखिए, कुछ मैंने बुक्स रख दिए, कुछ मैंने निकाल दिए क्योंकि सारी नहीं आ रही थी, इनमें से कुछ आ सकती थी। ये मुझे एक जनरल का सेट नज़र आ रहा है तो इसलिए मैंने इसको पूरे को बाहर रख दिया। और इनमें एक और बुक मिली है, ये देखो बचना मुश्किल करके, भेड़िया की, जो अनुपम सिन्हा जी ने बनाई है अंदर भी, मतलब मुझे लगा सिर्फ कवर बनाए। देखिए अनुपम सिन्हा जी की पूरी पेंसिलिंग है, बट इंकिंग क्योंकि उनकी है तो क्या नाम तोसीफ करके हैं, इस वजह से थोड़ा अच्छा दोनों के पेंसिलिंग, तो इस वजह से थोड़ा सा ना राजेंद्र धोनी वगैरह की इंकिंग तो आपको फील नहीं आता, लेकिन है इस अनुपम जी का काम है। तो थोड़ा सा मैं इसको अलग रखने की सोच रहा था, एक बार देखते हैं कैसे बुक, तो इस वजह से भी इसको बाहर रखा है। ये एक पैकेट बन गया इसका। इसके बाद आता है हम सब के चाहिए सुपर कमांडो ध्रुव का नंबर। ये सारी मुझे डाउट अभी आ पाएंगे, बट एक सीरीज़ का एक वो होता है तो देख लेंगे, जो चीज़ अलग निकल पाएगी उसको अलग निकालेंगे और उसको करता हूँ पैक अभी। ये देखिए मैंने इसमें सारी रख ली हैं, सारे विश्रांक आ गए ध्रुव के, मैंने मारा ध्रुव को सीरीज आ गई है, षडयंत्र सीरीज पूरी आ गई है, बस खूनी खानदान सीरीज इसमें से निकालनी पड़ी और पूरी आ गई है। क्योंकि विश्रांक अरेंज कर रहा था मैं, तो मैंने देखा कि कुछ मल्टीपल कॉपीज़ भी डिटेक्ट हुई हैं, मतलब ये मैंने एक पैक बनाया है और मुझे इसमें कुछ रिपीट से दिखी ऐसे। ये जो षडयंत्र वाली जो सीरीज है सर्कस वाली, वो भी डबल है, तो मैं सोच रहा हूँ डबल जो कॉपी है मैंने पहले कभी बनाया भी होगा, ये वैसे ही मुझे अरेंज मिला, आई थिंक ये कॉपी शायद डबल होगी। तो एक अभी इसमें क्या भूल जाता है कि सिंगल वाली कौन सी डबल कौन सी, आई थिंक ये इतना तो पैक आ ही जाएगा, तो एक पैक ऐसा बना देता हूँ, एक पैक वैसा बना देता हूँ। ये देखिए धीरे धीरे अरेंजमेंट कुछ इस टाइप का हो जाएगा कि क्लीन मैंने करी, अब जो भी रखूँगा पॉली बैग में रखूँगा इस तरीके से। जो ध्रुव का सेट बन रहा है तो जो मल्टीपल कॉपी का जिससे मुझे डाउट हुआ था तो वो ये है, जैसे करते करते सेट होंगे तो पॉली बैग्स में होंगे। तो ये इधर भेड़िया का मैंने सेट लगा दिया, इधर संजय गुप्ता जी की बुक्स का जो अमर प्रेम सीरीज थी वो, और इधर बाकी जो मनोज जी की था, वे ढेर बढ़ जाएगा। और देख भी सकते हैं ना एक्चुअली इससे कबर्ड वगैरह ठीक नहीं है, देखिए आप ये बहुत ज़्यादा वजन की वजह से वेवी सी हो गई है, मतलब काम चलाओ कर रखा है इसको। बाकी ये कि कॉमिक्स को काफ़ी मतलब कॉस्टली पड़ जाता है ये शौक आपको। तो सिंगल कॉपी का काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहा था, तो मैंने सबसे बड़ा तो काम क्या करा कि ये कुछ जो सीरीज है इसकी ध्रुव की, जैसे सुपर हीरो फरिश्ता मिनी सीरीज है, या खूनी खानदान अति जिक्सा है, आप देख सकते हैं इसमें अति जिक्सा कहीं दिखेंगे आपको, ये मैंने मारा ध्रुव को, उनको मैंने अलग ही कर दिया क्योंकि उसमें कोई कन्फ्यूजन है नहीं, है ना, ऐसा करके वो ध्रुव की बुक्स मैंने अलग ही कर दिया, उनको अलग से पैक कर दिया जाएगा, तो कभी भी देखे तो पता लग जाएगा कि सीरीज कौन सी है अपने आप से, कितनी कॉपी में है। ध्रुव का पेपर बैग कलेक्शन पूरा हो चुका है, पैक हो चुका है पूरा मतलब, और मैंने क्योंकि कुछ बुक्स निकालनी ही पड़ती तो मैंने वो कौन सी निकाली, जो ओरिजिनल राजकुमार वाली थी, मतलब RCMG वाली मैंने पैक कर दी, और क्योंकि कुछ बुक निकालनी पड़ी तो मैंने ऐसी निकाली जो आपको बाद में काम आए, और एकदम से ये ट्रेजेडी भी मेरे सामने आ गई, इसको भी ध्रुव की बुक मान रखा था। खैर दो कॉपी भी क्यों थी, इसकी भी पूरी स्टोरी थी कि किसी जगह से प्री ऑर्डर लगाया था और बहुत समय तक रिलीज़ नहीं हुई थी, और जब रिलीज़ हुई तो उसके साथ कुछ और बुक्स थी वो रिलीज़ नहीं हुई थी, तो इसको टाइमली पाने के लिए मैंने इसको हेलो बुक मान ऑर्डर किया था, इस वजह से दो हो गई थी। खैर तो कंटिन्यू करते हैं जर्नी को आगे, अभी बहुत सारा काम बाकी है, देख लिया इतनी सारी बुक्स को पैक करना बाकी है। ध्रुव का पेपर पर कलेक्शन पूरा अरेंज हो चुका है, बस ये 32 जनरल है और एक और 32 जनरल है, आई थिंक कोई 60 वाली होगी, कोई 70 वाली होगी, कोई 100 वाली होगी, तो इनको बस ये एक बेढंग सी पॉली बैग में थी उसको हटा करके अच्छी वाली पॉली बैग में कर देता हूँ, उसी तरह देता हूँ उसको। ध्रुव पेपर बैग जो जनरल सेट है, इस लोकेशन पर 2 सेट मिले और ये बिल्कुल पहले वाले हैं, मतलब जो 60 रुपये का जो प्रिंट आया था बाकी के 70 के, तो जो एग्जैक्टली जो 2021 में फर्स्ट टाइम प्रिंट हुए थे वो वाले दोनों पैक हो चुके हैं, और इसमें मैंने मर गया असुराज जो था वो उसको भी ऐड कर दिया है पीछे, तो टोटल 26 हो गई है। देखिए मैं बाकी लाल की जनरल का मैं एक सेट पहले पैक कर चुका था,
दूसरा पैक कर रहा था तो मुझे याद आया कि लोक जो लोक यात्रा है भाकेलाल की, तो सारी लोक यात्रा की बुक्स मैंने फिर से अरेंज करी। इसमें थोड़ा समय लगा, अरेंजमेंट में ये प्रॉब्लम आता है क्या पहले से प्लान नहीं कर सकते कि क्या होगा। तो जितनी भी लोक यात्रा का सेट 1, 2, 3, 4 आया था वो मैंने पैक करा। मुझे कुछ लोग बोल भी रहे थे कि जब उनका लोक यात्रा का कलेक्टर एडिशन आया था तो उसमें ये बुक में शामिल करनी चाहिए थी, बट फिलहाल मैं इसको नहीं ऐड कर रहा हूँ। जो एग्जैक्टली 4 सेट आए थे मनोज गुप्ता जी के, वो मैंने अच्छे से काउंट करके इसमें सेट कर दिया है, और ये इसको इस तरीके से मैं पैक कर दूंगा। और बाकी जनरल में अब जो थोड़ा सा स्पेस क्रिएट हो गया है एक दो बुक्स निकालने से, उसमें इनको सेट कर दूंगा। काफ़ी बुक्स हैं जनरल की, देखिए लोक यात्रा पूरी जनरल है, प्लस ये जनरल की बुक्स पड़ी हैं, प्लस यहाँ पे और पड़ी हुई है, और ये कुछ कार्टून कार्टून करके सी और आई थी जो भाकेलाल की, वो देखिए वो जो है ना इस तरीके की। भाकेलाल का बहुत ज़्यादा पेपर वर्क आए हैं, तो मैं फिर से दिखा दूँ। अरेंजमेंट यहाँ तक पहुँच गया है। ये ध्रुव की हैं जो ये 5 बंडल लिख रहे हैं, 6 बंडल लिख रहे हैं, ये भाकेलाल के जनरल के 3 बंडल हुए हैं। अभी विशांक का बंडल बनाना बाकी है, तो बस पॉलीबैग से थोड़ा क्लीन हो जाता है। अदरवाइज बिना पॉलीबैग की क्या हालत होती है मैं आपको दिखाता हूँ। कुछ बुक्स दिखाने की कोशिश करता हूँ, कहाँ गई बुक्स। इनमें आप देख रहे होंगे मतलब थोड़ी वेव टाइप की सी हो जाती है, ऐसे जो पॉलीबैग में नहीं होती उनकी ये हालत होती, देखिए अभी ऐसी हो जाती है। बस एक एफर्ट लेना था वो अब लेता हूँ। मैं ध्रुव का कंप्लीट कर चुका हूँ पैकिंग, लेकिन देखा तो एक और अभी लोट नहीं मिला है। और ये देखिए बालचरित वगैरह तो मैं भूल ही गया था, काफ़ी कुछ बाकी है। इनमें से ध्रुव जो नागराज जो सबसे नीचे है वो भाकेलाल वाले हैं, वो 4 सेट, उसके ऊपर ये नागराज की नागराज के उसके ऊपर बीच का जो ध्रुव का है, ये बीच वाला जो दिख रहा है 6 जो दिख रहा है, और अभी इसमें ये बंडल वगैरह डालने वाला है। आई थिंक ध्रुव के लिए पूरा का पूरा इसमें शेल्फ चाहिए। फिलहाल ध्रुव का कलेक्शन यहाँ तक पहुँचा है, तो ये पूरी शेल्फ ध्रुव की, अभी नागराज की अरेंज करनी बाकी है। ये संजय गुप्ता जी वाली हैं, ये पॉलीबैग्स देख रही हैं। इधर पूरा सेट मनोज जी वाला जनरल्स का है, अभी और भरेंगे इसमें, नागा ध्रुव पूरा भरेगा। ध्रुव इतना हो चुका है इसलिए ये वेव हो जाती है। ये भाकेलाल है, अभी इसको जल्दी जल्दी पूरा करने की कोशिश करूँगा। काफ़ी देखिए काफ़ी कुछ अभी पेंडिंग पड़ा हुआ है। तंग खड़ता नागराज का पूरा सेट मेरे पास में, इसमें भी वैसे ही हुआ था, सभी कंप्लीट पॉलीबैग में आए थे, बट मैंने इसको फिर अलग किया हुआ पहली बार में, जिसे मैंने अमर प्रेम में वो बताया था। इसको सिंपल सा एक बड़े वाले पॉलीबैग में रख लेता हूँ, एक काम एंड हो जाएगा। इसको इस पर रख करके आगे बढ़ता हूँ। तंग खड़ता नागराज का पूरा सेट मेरे पास में, इसमें भी वैसे ही हुआ था, सभी कंप्लीट पॉलीबैग में आए थे, बट मैंने इसको फिर अलग किया हुआ पहली बार में, जिसे मैंने अमर प्रेम में वो बताया था। इसको सिंपल सा एक बड़े वाले पॉलीबैग में रख लेता हूँ, एक काम एंड हो जाएगा। इसको इस पर रख करके आगे बढ़ता हूँ। इसके अलावा एक जम्बू करके तुलसी कुमार से जम्बू कलेक्टर का कंप्लीट कलेक्शन था, वो एक बैग में आ गया है। पर इसी में जम्बू के कुछ RCMG के रेफरेंट थे, मैं रखना चाह रहा था पर बैग में आ नहीं रहा था, तो मैंने कहा इसी बने अलग भी हो जाएंगे क्योंकि राजकुमार इसके अंडर आए हैं इस वजह से। तो ये एक पैकेट और बन गया है। ध्रुव का कलेक्शन मैंने कहा ना, मैं उसको पैक करा था, मैंने एकदम से मैंने कहा ये जनरल आई कहाँ से, 2 सेट तो मैं रख ही चुका हूँ। फिर याद है संजय गुप्ता जी भी तो लाए थे, तो संजय गुप्ता जी का एक सेट और है, इसको भी रखता हूँ। राज कॉमिक्स भाई मनोज गुप्ता जी तरफ से जो नागैन रिप्रिंट हुआ था वो पूरा पेपर बैग सेट है। मैंने फुंकार भी इसमें ऐड कर दिया, और इतिकांड भी और उपसंगार भी, ताकि एक इतिकांड पेपर बैग मतलब, तो पूरा इसको एक सेट बना दिया है इसका पूरा रिप्रिंट्स का। और ध्रुव का मैं आपको अभी मैंने बताया था, उसके अलावा और निकल गई है। ये संजय गुप्ता जी का पूरा एक सेट, मनोज गुप्ता जी का पूरा 2 सेट, उसके अलावा ये शुरुआत की 5 किताबें जो है उनका भी, एक संजय जी का सेट, एक मनोज जी का सेट, बहुत सारे सेट निकल रहे हैं। ये इतनी सारी और पेपर बैग सभी बची हुई है। ये ओरिजिनल राजकुमार वाली है, ये थोड़ा मैं इसका अलग से एक पैकेट बनाऊंगा। ये कुछ तिली समदेव वगैरह है, ये कुछ मनोज गुप्ता जी के रिप्रिंट थे नागराज के, जो इसमें आया था छोटा नागराज, ये इस तरीके के जो आए थे उस टाइप का, मैंने एक पूरा बंडल बना लिया इसमें, सारे आ गए नागराजी छोटे। राजकुमार भाई मनोज गुप्ता जी की तरफ से ये नागराज के कुछ सोलो कॉमिक्स थे विशेषांक के, उनका एक अलग से पैकेट बनाया है। और धीरे धीरे काम हो रहा है, देखिए आप काफ़ी अच्छे से अरेंज हो रहा है। ऊपर वाला ये नागराज का इसमें अभी ध्रुव वाला पूरा पैक हो चुका है, भाकेलाल का नीचे है जो जम्बू वगैरह, यहाँ पे नागराज का मैं सेट कर रहा हूँ, ऊपर करेंगे अभी धीरे धीरे पूरा सेट। अगेन RCMG रिप्रिंट्स का एक और बंडल बनाया है विशांक, और थोड़ा सा ईजीनेस हो जाए इसके लिए मैं क्या करता हूँ, सीरीज़ को अलग निकाल देता हूँ। जैसे कि ये काल चक्र वाली सीरीज़ को अलग कर दिया, ये जो स्पेशल कॉमिक्स होता है ड्रैगन किंग है, संगार वगैरह, इनको अलग कर दिया, तो थोड़ा सा इजी हो जाता है बंडल को बनाना। इस बंडल को भी रख देते हैं।
सुबह से दोपहर हो चुकी है और अभी भी देखिए इतनी बुक्स बाकी, लेकिन फिर भी काफ़ी ठीक है, मतलब अभी इतना मैनेजेबल लग रहा है। और ब्रिज में ब्रेक ले लिया, थोड़ा सा खाना वगैरह रखा है था मैं तो। हाँ, ये हम यहाँ पहुँच गए थे। ये इधर भेड़िया का कलेक्शन रखा है और यहाँ पे जो टी शर्ट वगैरह थे वो रख दिए, कुछ मेरे फ़ोन के बॉक्सेस थे उसको रखा है, ये हो गया बंद। और यहाँ पर नागराज के जो सेट वगैरह हैं वो रखे हैं, बाकी अभी यहाँ पे ध्रुव के सेट रखे हैं जो कि सबसे ज़्यादा है। सबसे बड़ा इशू है डबल कॉपी वाला, और वो कितनी भी बार अरेंज करो इंसान भूल ही जाता है, तो बैटरी की शांति से जो रख दिया जाए जब आवश्यकता होगी तब देख लिया जाएगा। और ये जो है बांकेलाल का और जम्बू वगैरह का है। अब बचा हुआ कलेक्शन अरेंज करते हैं। ये कुछ मेरे फेवरेट ओल्ड आरसी रिप्रिंट्स, इनको अलग पॉली बैग में डाल दिया है। कुछ बच गए हैं क्योंकि सारे ओल्ड आरसी रिप्रिंट्स एक नहीं आ रहे थे, उसको मैंने अलग कर दिया है, रखते हैं इनको भी। अब ये समाप्ति की ओर है। यहाँ पर भेड़िया के कुछ सेट रखे हैं, जैसे ये मनोज गुप्ता जी के रिप्रिंट्स और संजय गुप्ता जी के। तो एक तो बिल्कुल क्लियर है कि संजय गुप्ता जी के रिप्रिंट अलग कर दिए जाएंगे। अमर प्रेम का सीरीज अलग है, ओरिजिन का अलग है, ये भी जो भी है ओरिजिनल वाला ही लग रहा है, ये उल्फा वगैरह। तो इसको मैं एक बार सेट कर देता हूँ पूरे को, तो बड़ी जल्दी ही अरेंज हो जाएगा, अब ज़्यादा नहीं बचा है। गोभी और भेड़िया का वो मैंने आपको बताया था ना ऊपर, जो दो तीन सेट रखे हुए हैं, ये मनोज गुप्ता जी के कुछ जनरल और विशांग थे, उसके दो मैंने बंडल बनाए हैं। और कुछ और मुझे बुक्स इसी ढेर में मिली हैं कि वो एक साथ रिलीज हुई होंगी। ये कुछ बुक्स आई थिंक ये मल्टी स्टार हैं ऐसी, जो मतलब विदाउट नागा ध्रुव वाले मल्टी स्टार। तो मैं इनको कॉपी भेड़े में पहले रख रहा था, अब इसको थोड़ा अलग रखने की कोशिश करूँगा। तो इन दोनों मंडल को रख करके आगे बढ़ते हैं। ये भेड़िया का भी अच्छा खासा कलेक्शन हो गया है। ये तीन मंडल मनोज गुप्ता जी की बुक से बन गए हैं, ये दो तीन मंडल संजय गुप्ता जी की बुक से बन गए हैं। अभी भी कुछ बुक्स बची हुई हैं, जैसे कि ये मैं हूँ भेड़िया करके है, ये तीन बुक का सीरीज सब पैक है। और कौन सी, हाँ ये कुछ और रह गई, उन पैकेट्स में आ नहीं पाई थी। कौन सी है, ये जो है ये कुछ 96 पेज वाली जो थी, दो दो हाथ वगैरह करके। तो इनको भी अभी एक पैकेट बना के रख देते हैं इनको। कुछ रैंडम सेट बचे में हॉरर वाले जो थे, संजय गुप्ता जी वाले हॉरर वाले थे, या फ्रेंडी सीरीज वगैरह है वो थी। और इसके अलावा ये कुछ हॉरर सेट पहले आए होंगे, खूनी ज़मीन वगैरह जो था, नरबख्श संगीत वगैरह ये सब। और इसके बाद जो एक और कुछ थे ना, जौहर, बैरिस्टर विश्वनाथ और ये तिलिस्म देव वगैरह, जो इस तरह के जो कुछ सेट थे वो बाकी हैं। तो इनको मैं यहाँ पे सेट करता हूँ, काफ़ी कुछ कंट्रोल में आ गया है। बाकी डोगा, परमाणु, तिरंगा वगैरह वो जो थोड़ा लाइट कलर का वुडन है उसमें है। अभी सिर्फ यही हुआ है, ऊपर भेड़िया, फिर यहाँ पे नागराज, देन ध्रुव, देन यहाँ पे बाकेलाल वगैरह, अंगारा, अंगारा का सेट हो रहा है वो भी रखना है। तो अब इसको मैं वैसे एंड करने ही वाला हूँ अब ये अपने अंतिम पड़ाव में। लेकिन नीचे वाला जो है ना उसमें मैंने बाकेलाल के भी रख दिए, और ये एक्सट्रीम जो लेफ्ट है वहाँ पर मैंने थ्रिल हॉरर वाला रख दिए। ये अंगारा के मैं जो बताया था वो मैंने रखे हैं। इसमें अभी स्पेस है तो मैं ये कुछ नोटबुक्स हैं जो ये जो राजकुमार की भी हैं वो युगारम वगैरह में आई थी, और ये कुछ अंगारा के नोटबुक्स वगैरह हैं। तो ये सारा मिला करके मैं एक साथ इसी में डालूंगा, तो इसे पॉलीबैग का भी पूरा यूज़ हो जाएगा। इस तरीके से इसका बंडल बना के भी रखना पड़ेगा। ये कोई भी जो अरेंजमेंट होता है वो एंडलेस होता है। यहाँ पर मैंने संजय गुप्ता जी के बिग साइज बुक्स रखे थे, अब नहीं रखूँगा, इसमें कम से कम रखने का प्रयास करूँगा, क्योंकि कितना भी क्लीन करो वो नेक्स्ट डे में ख़राब होता ही है। बट ये मैंने कुछ कर दिया है, मतलब भेड़िया का मैंने कलेक्शन रख दिया इस पर, नागराज का मैंने यहाँ रख दिया, अभी कुछ को करना बाकी है। ध्रुव का यहाँ कर दिया है, और बाकेलाल है, अंगारा है, जम्बू है, थ्रिल हॉरर वो सब रख दिया। आई थिंक ये लगभग कम्प्लीट हो गया है। यहाँ फिर अगेन फिर डोगा वगैरह, फिर वो एक लंबी चौड़ी कहानी, फिर से बहुत सारा फट मांगने वाला है। और ऐसा भी कुछ हुआ है कि मेरे साथ में, जैसे ये देखिए कुछ मैंने पेंडिंग रख दिया, जैसे कि ये भोपाल का संजय गुप्ता जी का कलेक्शन है कुछ, और छोटा मोटा तोसी वगैरह है, क्योंकि ना वो रिकन्सिड्रेशन मांग रहा है। अगर मैंने अभी इसको पैक कर दिया तो प्रॉब्लम यह होगी, फिर ये स्टक होकर रह जाएगा। तो मुझे कुछ सवालों का जवाब ढूंढना है कि इसकी बाकी के पार्ट वगैरह वो कहाँ हैं, उसको सेट करके करना है। और कुछ ये अलग बुक्स और निकली हैं इस तरीके की। तो इस वीडियो को मैं ये एंड करता हूँ, आई होप आपको मेरा एफर्ट पसंद आया होगा। अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।